देखिए, आपने एक साथ दो प्रश्न कर दिए, एक विपक्ष का, एक सरकार का। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो एक वर्ष का ये कार्यकाल रहा है, इसको मैं ऐतिहासिक कार्यकाल मानता हूं, क्योंकि जो गिरी पड़ी व्यवस्था हमको मिली थी, जो भ्रष्टाचार युक्त उत्तराखंड हमको मिला था, जो कानून व्यवस्था ठप उत्तराखंड हमको मिला था, जो विकास ठप उत्तराखंड हमको मिला था, जिसमें आम नागरिक जो है परेशान था, दुखी था, मातृशक्ति दुखी थी, युवा दुखी था और प्रशासनिक अमला एक तरफ से चौपट पड़ा था, इस एक वर्ष के अंतर्गत माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में इस सरकार ने पहली जो सफलता अर्जित की है, वो सफलता ये अर्जित की है कि भाई इस प्रदेश को एक वर्ष में भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो संकल्प हमारा था, जीरो टॉलरेंस की जो हमने बात की थी, उसमें हम कामयाब हुए। रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सरकार ने एक नई छलांग लगाई है। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि इस सरकार का एक वर्ष का जो कार्यकाल है वो ऐतिहासिक कार्यकाल है। और आज हम ग्रीष्मकालीन सत्र, अपना जो बजट सत्र, महत्वपूर्ण बजट सत्र, जिसमें महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण भी शामिल है, गैरसैंण में होने जा रहा है, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। ये सरकार जो है सफलतम सरकारों में से एक सरकार है। विपक्ष की जहाँ तक सवाल है, देखो विपक्ष गिरा पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उनके नेता आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल इस प्रदेश में सरकार चलाई है, वो मुख्यमंत्री आज मंदिरों में जा करके ढोल मजीरे बजा रहे हैं। आखिर वो फिर विकास की बात हमसे पूछ रहे हैं? भाई अगर वास्तव में हमने विकास नहीं किया, उनको संघर्ष करना चाहिए, उनको जनता के बीच में जाना चाहिए था, हमारे मुद्दों को उठाना चाहिए था। मंदिर में ढोल मजीरे बजाने वाले लोग हमसे भी आज विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए जो इन्होंने बर्बाद किया था उत्तराखंड को, उस उत्तराखंड को संवारने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए मेरी विपक्ष से सलाह पहली तो यह है कि अपने घर को ठीक कर ले। जो कई टुकड़ों में, कई ग्रुपों में, कई ट्रुपों में बटी हुई कांग्रेस है, रोज जो है झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, नेता विपक्ष से कुछ कह रही है हल्द्वानी में बैठकर, हरिद्वार में बैठकर के हरीश रावत जी कुछ कह रहे हैं, उनके माननीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी कुछ कह रहे हैं, पहले अपने घर को संवार लें, घर को ठीक कर लें, अपनी इच्छा शक्ति ठीक कर लें, अपनी जो कुहासा है, जो निराशा है, उसको ठीक कर लें,